नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत जबरदस्त होंगे, बहुत फैंटेस्टिक होंगे। दोस्तों, आज हमारी इस 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसका 5 नंबर वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं हूँ राकेश सिहाग, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों, आपको पता है ये जो मेरी टॉप 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है, ये खास तौर से पटवारी एग्जाम को देख करके चल रही है। दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इतना दावा है मेरा। हाँ, इससे रिलेटेड आ जाएंगे, है ना, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मैं 500 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये RPSC और RSMSSB के अंदर पूछे गए विज्ञान के क्वेश्चन हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से आपको पढ़ने हैं, ज़बरदस्त तरीके से इनको अच्छे से अपने माइंड में रखना है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से अपनी तैयारी कर भी रहे होंगे, और मैं और भी कोशिश करूँगा कि आपको साइंस में बहुत अच्छी तैयारी करवा दूँ। अभी हमारे पास लगभग 15-20 दिन का टाइम और बचा है, उस 20 दिन में हम बहुत अच्छे से कुछ कर लें, ठीक है। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसके मैं 4 वीडियो आपको करवा चुका हूँ। पाँच नंबर वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा है वो आपका चल रहा है आधारभूत। हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान। आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, ये हमारा पहला टॉपिक चल रहा है प्यारे साथियों। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा मानव शरीर के बारे में। मानव शरीर का दूसरा टॉपिक आपका आएगा, तो वो टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस आधारभूत तत्व और दैनिक विज्ञान के मैं आपको सिलेक्टेड 200 क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। और आगे जो आपके टॉपिक बचे उनके 300 क्वेश्चन करवाऊंगा, टोटल 500 क्वेश्चन करवाऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा रोल साबित करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो कल मैंने जो क्वेश्चन करवाया था वो मैंने आपको 140 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया था। अब हम बात करते हैं 141 नंबर क्वेश्चन से। 141 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, और 141 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? यानी कहने का मतलब, कोयले की उस किस्म का नाम आपको बताना है जिसके अंदर पादप यानी पौधे के अवशेष पाए जाते हैं। तो पौधे के अवशेष कौन से कोयले में पाए जाते हैं, कौन से कोयले की किस्म में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, पीट के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? पीट के अंदर, ठीक है ना, पीट के अंदर पाए जाते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए सबसे अधिक कार्बन की मात्रा, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा कौन सी किस्म के कोयले में होती है? सबसे अधिक कार्बन की मात्रा, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा कोयले के किस किस्म में होती है, यह आपको बताना है, ठीक है ना। कोयले की किस्म के बारे में आपको बताना है, कौन सी किस्म के अंदर कोयले की सबसे अच्छी कार्बन की सबसे अच्छी मात्रा होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, आप इसका आंसर दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, इतने में दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ। 142 नंबर क्वेश्चन, किस रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन मान लो 4 महीने का है? किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो आपका है वो 4 महीने का है, 4 महीने का आधा जीवन, यानी 1/2 का मान कितना है आपका? 4 है। तो उसके 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा? उसका 3/4 भाग यानी 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा, यह आपको पूछा है। कितने महीनों में उसका 3/4 भाग नष्ट हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, सीधा सा क्वेश्चन है, 3/4 बटे 1/2 गुणा 4, इसको आप काट दोगे कितने से, ये 4 नीचे आ जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। इस 4 से ये 4 कट जाएगा क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, 3/4 गुणा 2 ऊपर चला गया और 4 पहले से 2 ऊपर 4 है ही, तो 4 से 4 कट गया, 3 दुनी कितना आ गया? 6 आ गया। 3 दुनी कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। हाँ, तो आपने बताया होगा बहुत अच्छे से आपने बताया पिछले क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छा। देखिए, इसमें जो आपका एंथ्रेसाइट होता है ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा आपकी एंथ्रेसाइट में होती है। किसके अंदर होती है? एंथ्रेसाइट में, ठीक है, एंथ्रेसाइट में सबसे अधिक होती है, लगभग 85% कार्बन की मात्रा 85% होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, 2 नंबर पर आता है आपका बिटुमिन्स, 70% से लेकर 85% तक इसके अंदर मात्रा होती है।
उसके बाद आपका आता है लिग्नाइट। तो प्रथम स्थान इसका, दूसरा स्थान इसका, तीसरा स्थान आपका लिग्नाइट का, और चौथा स्थान किसका हो गया प्यारे साथियों, आपका पीट का हो गया। तो सबसे घटिया किस्म कौन सी है? पीट। और सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो एंथ्रेसाइट। दोनों बात, तीनों चारों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6 महीने, ऑप्शन नंबर शायद ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र जिसका नाम हम बोलते हैं एमआरआई के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार उनको मिला। एमआरआई आपने सुना होगा, एमआरआई के बारे में आपने सुना होगा। तो एमआरआई के जो मतलब विकास है उसमें सहायता की और उनको क्या मिला प्यारे साथियों? उनको मिला नोबेल पुरस्कार। तो उनका नाम आपको बताना है, तो उनका नाम है पाल सी लोटरबर। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कुछ आपको ध्यान रखना है, एमआरआई के लिए किसको मिला? लोटरबर को मिला। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो ध्यान रखना, भारी जल का जो प्रयोग है प्यारे साथियों वो आपका किया जाता है नियामक के रूप में। किसके रूप में? नियामक के रूप में। देखिए, शीतलक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो शीतलक के रूप में जो आपका प्रयोग होता है वो होता है, शीतलक के रूप में प्रयोग आपका होता है, शीतलक की अगर हम बात करें तो शीतलक के रूप में, ईंधन के रूप में तो आपका होता है यूरेनियम का, ईंधन के रूप में यूरेनियम का। और दोस्तों एक होता है आपका स्नेहक के रूप में आपका होता है लुब्रिकेंट, यानी कहने का मतलब जो अपने ग्रीस वगैरह होते हैं, ग्रीस वगैरह तेल वगैरह, इनका स्नेहक के रूप में होता है ना। मंदन के रूप में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का उपयोग होता है। किसका? ग्रेफाइट का, ठीक है ना। और ये जो शीतलक है प्यारे साथियों, शीतलक के रूप में प्रयोग होता है, मेरे अभी दिमाग में से निकल गया, मैं आपको बताऊंगा। चलिए ये एक बार आप पेंडिंग में रख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा मेरे साथियों शीतलक के रूप में किसका उपयोग होता है यूरेनियम के अंदर। आगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाएगा, अभी मेरे दिमाग में से निकल चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 45 नंबर क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? ईंधन के रूप में कौन काम आता है? तो यूरेनियम काम आता है ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में कौन काम आता है? यूरेनियम, ठीक है। ईंधन के रूप में आपका यूरेनियम काम आता है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था प्यारे साथियों, ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में, किसके रूप में? मंदक के रूप में होता है। स्नेहक के रूप में आपका ग्रीस या तेल का उपयोग होता है, ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग होता है, यूरेनियम का, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा यानी कार वगैरह जो होती हैं उनसे निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस कौन सी होती है जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है? तो उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती प्रास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? यानी भारत के अंदर निर्मित है, उसकी प्रास मध्यवर्ती है यानी मीडियम साइज का है वो, और मध्यवर्ती प्रास का है, तो उस प्रक्षेपास्त्र का आपको नाम बताना है जो भारत के अंदर बना है। उसका नाम है प्यारे साथियों अग्नि। अग्नि कहाँ पर बना है? आपका भारत में बना है। और ये प्रक्षेपास्त्र है, यानी प्रक्षेपास्त्र का मतलब किसी भी परमाणु यंत्र को ले जाने में सहायता करता है, ऊपर की ओर ले जाने में सहायता करता है, उसको छोड़ने का काम करता है ये अग्नि, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए ये भारत में बना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 149 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अंकीय सिग्नल में किसी प्रलेख को कोडन करने के बाद, यानी कुछ अंकों के द्वारा क्या किया जाता है? किसी लेख का कोड बना दिया जाता है, अंकों के द्वारा 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से प्रयोग करके उसका क्या बना दिया जाता है? कोड बना दिया जाता है। अब कोड बनाने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या फिर उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जाता है, या तो उसको टेलीफोन के द्वारा या फिर टेलेक्स के द्वारा या फिर उपग्रह के द्वारा उसको कहाँ भेजा जाता है? प्राप्तकर्ता के पास आगे भेजा जाता है। और प्राप्तकर्ता के पास मिलने के बाद उसका क्या किया जाता है? उस कोड का वीकोडन किया जाता है, यानी उस कोड को खोला जाता है और फिर क्या प्राप्त की जाती है? मूल प्रति या फिर मूल प्रलेख प्राप्त किया जाता है।
मूल प्रलेख की प्रति प्राप्त की जाती है, तो इस प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व कौन करता है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इस प्रक्रिया का नाम है मेरे साथियों फैक्स। आपने देखा होगा फैक्स एक मोबाइल टेलीफोन जैसा होता है, इसमें अपना जो जो हमारा वो मतलब लेख होता है, कोई भी लिखा हुआ होता है, उसको अंदर डालते हैं, उसके बाद उसका कोड बनाते हैं, कुछ नंबर डालते हैं, फिर वो जहाँ पर भेजना होता है वहाँ पर उसका फिक्स करते हैं, वहाँ उस नंबरों के द्वारा क्या निकलता है, एक उसकी फोटोकॉपी निकल जाती है, इसको बोलते हैं फिक्स करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं। ज्यामिति का जनक कहा जाता है यूक्लिड को। किसको कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूक्लिड। ठीक है ना, ज्यामिति का जनक आपका होता है यूक्लिड। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। अरस्तु के बारे में आपको ध्यान रखना है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां पर चढ़ित झंझावात आती हैं, यानी जहां पर बिजली वगैरह मतलब होती रहती हैं, बिजली वगैरह तड़कती रहती हैं, उन जगह पर जो रेखाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उन रेखाओं को कहा जाता है आइसोब्रोंट्स। अब ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, यानी तड़ित झंझावात जो होते हैं वहां पर जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो उन रेखाओं को कहा जाता है आइसोब्रोंट्स। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, आइसोब्रोंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध। अब समझना प्रतिरोध के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं प्रतिरोध के बारे में। सबसे पहले तो प्रतिरोध को हम आर के द्वारा लिखते हैं, एक नंबर बात। इसका जो मात्रक होता है वो आपका ओम होता है, दो नंबर बात। तीसरी बात, प्रतिरोध किस किस बात के ऊपर निर्भर करता है? दोस्तों प्रतिरोध के बारे में दो तीन बातें बताऊंगा। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, यानी अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, दूसरी बात, एक नंबर बात आपको समझ में आ गई होगी, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई अगर बढ़ रही है, एक दो तार है, एक ये लंबा तार है, एक छोटा तार है, लंबे तार का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। छोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। अब ये मैंने आपको पहले बताया भी था कि आप मान लो ये घर है आपका, ये दूसरा घर है, एक ये घर है, एक ये घर है, यहां से लेके इतनी दूर आप अगर किसी तार के द्वारा बिजली लेके जाओगे तो यहां पर बिजली आपकी कम पहुंचेगी और यहां पर बिजली कहां क्या पहुंचेगी? ज्यादा। यानी इसने कम दूरी तय की, इसके बीच में बाधा कम आई, इसने ज्यादा दूरी तय की तो इसके अंदर ज्यादा बाधा आई। इसका मतलब बाधा ज्यादा को ही क्या कहा जाता है? अधिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसमें कम बाधा इसका मतलब कम प्रतिरोध, इसमें ज्यादा बाधा इसका मतलब ज्यादा प्रतिरोध। इसी प्रकार से क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये जो प्रतिरोध होता है ये मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटाई का मतलब क्षेत्रफल, जिसको हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, यानी तार की जो मोटाई होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जिस तार की मोटाई ज़्यादा है उसका तो ये क्या मिलेगा? कम मिलेगा। और जिस तार की मोटाई क्या है? कम है, उसके अंदर क्या मिलेगा? ये अधिक मिलेगा। अब ये क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा अनुपात हो गया। यहाँ पर मोटाई ज़्यादा तो ये कम, यहाँ पर मोटाई कम तो ये ज़्यादा। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये दो नंबर बात। तीन नंबर बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आर होता है यानी प्रतिरोध होता है वो आपके टेम्परेचर के साथ क्या होता है? टेम्परेचर के साथ समानुपाती होता है। टेम्परेचर के साथ आपका क्या होता है? समानुपाती। टेम्परेचर के साथ समानुपाती होता है, यानी कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो ताप ये प्रतिरोध बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। तो यहाँ पर तापमान घटने की बात देर की है तो आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो उम्मीद कर सकता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए 153 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? पोर्टलैंड जो सीमेंट है आपकी उसका आविष्कार किसने किया? उनका नाम है जोसेफ अस्पडिन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन दोस्तों दो तीन बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? यानी पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली भारत की पहली मिसाइल कौन सी है? उस मिसाइल का नाम आपको ध्यान रखना है मेरे साथियों, उसका नाम है पृथ्वी।
पृथ्वी नाम की जो आपकी मिसाइल है वो पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करती है, और ये भारत के अंदर बनाई हुई भारत की पहली क्या है, देशज मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी। 155 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। परमाणु जब विस्फोट होता है तो उससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, वो किसके कारण निकलती है। तो प्यारे साथियों, जो परमाणु आपका जो परमाणु के अंदर जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम क्या करता है, अत्यधिक यूरेनियम के जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। किसके अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो परमाणु बम आपका होता है उसमें यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम के जो आपके पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊर्जा में परिवर्तन हो जाते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, वो अत्यधिक विस्फोट करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जो परमाणु बम के जो द्रव्य होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, और ऊर्जा में परिवर्तित होने के कारण क्या हो जाती है, वो अत्यधिक विस्फोट उत्पन्न करता है। तो परमाणु बम में आपकी रासायनिक ऊर्जा नहीं होती, यांत्रिक ऊर्जा नहीं होती, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में नहीं बदलते, ये बात भी गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन में ही रहते हैं, प्रोटॉन में चेंज होते ही नहीं कभी, तो ये बात भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी। यानी नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार को स्टार्ट किया, तो सबसे पहले इसकी जो इसको स्थापित करने के लिए, नोबेल पुरस्कार को स्थापित करने के लिए उसको जो धनराशि प्राप्त हुई थी वो किस आविष्कार से मिली थी। तो वो आविष्कार था आपका डायनामाइट का। डायनामाइट का जो आविष्कार किया, और डायनामाइट के आविष्कार से जो राशि इसको मिली, उस राशि को इसने किसके ऊपर लगा दिया प्यारे साथियों, नोबेल पुरस्कार के ऊपर लगा दिया। किसके ऊपर, नोबेल पुरस्कार के ऊपर। और ये बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, ठीक है, जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए दो तत्व कौन से प्रयुक्त होते हैं। जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है प्यारे साथियों, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में कौन से दो तत्वों का उपयोग होता है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में वैसे तो किस किस का उपयोग होता है, हाइड्रोजन का उपयोग होता है। हाइड्रोजन के अणु हीलियम और हीलियम में टूट जाते हैं, ठीक है, वैसे तो हाइड्रोजन का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पर बात आपकी तत्व की पूछे, दो अन्य तत्व कौन से हैं, तो उनमें आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, नाभिकीय विखंडन के बारे में। तो दो तत्व कौन से होते हैं, वो दो तत्व आपके होते हैं बोरोन और केडमियम। बोरोन और केडमियम न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के काम आते हैं, ध्यान रखना। वैसे तो हाइड्रोजन काम आता है, हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम के नाभिकों में टूट जाते हैं, इस अभिक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, ठीक है। और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा ही आपका हाइड्रोजन बम काम करता है। हाइड्रोजन जो बम है वो आपका इसी अभिक्रिया के ऊपर काम करता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। इसमें दो अन्य तत्व काम आते हैं, बोरोन और केडमियम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन तो सभी जानते हैं हाइड्रोजन वाला तो, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग, बोरोन और केडमियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, डीजल ही ज्यादा क्यों पसंद किया जाता है, उसका कारण क्या है। तो दोस्तों, जो डीजल के जो इंजन होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, अधिक क्षमता होती है, क्षमता अधिक होती है। यानी जो डीजल के जो इंजन होते हैं, उनमें क्या होती है, अधिक क्षमता होती है, इसीलिए डीजल तेल का उपयोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। और ईंधन की भी क्या होती है, थोड़ी बचत होती है। सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, महंगा बहुत ज़्यादा है, इंजन का कम नुकसान होता है ऐसी बात नहीं है, नुकसान तो हो सकता है भाई, लेकिन क्षमता अधिक मिलती है, पावर ज़्यादा मिलता है, इसीलिए डीजल का प्रयोग करते हैं लोग। 158 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वो तो आपके मतलब मेंटली कंडीशन पर आधारित हैं, आप जितना सोच पाओगे उतना ही क्वेश्चनों को कर पाओगे। कुछ क्वेश्चनों में लॉजिक लगता है जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, कुछ फैक्ट के रूप में होते हैं वो भी आपको याद रखने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 159 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। पानी को अत्यधिक प्रदूषित करने वाली धातु कौन सी है, तो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करने वाली जो धातु, उसका नाम है आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक आपकी जो धातु है प्यारे साथियों, एएस आर्सेनिक धातु है, वो सबसे अधिक पानी को प्रदूषित करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, यानी यूरेनियम का जो विखंडन है, यूरेनियम का जो विखंडन है परमाणु बम वगैरह में इस प्रकार से टूटने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो प्यारे साथियों न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। न्यूट्रॉन इसको विखंडित करने का काम करते हैं, न्यूट्रॉन इसको क्या करते हैं, विखंडित करने का काम करते हैं यूरेनियम को, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखना जब जब बात यूरेनियम की आएगी तब तब बात किसकी होगी, न्यूट्रॉन की। ये मान लो प्यारे साथियों दोनों यू यहां पर है, यू यहां पर है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के हैं, दोस्त हैं। न्यूट्रॉन यूरेनियम एक दूसरे के काम आते हैं। यूरेनियम जब टूटता है तो न्यूट्रॉन छोड़ता है और न्यूट्रॉन इस यूरेनियम को तोड़ने के लिए काम आता है ना। यूरेनियम को तोड़ने के लिए काम कौन आता है आपका, न्यूट्रॉन ही काम आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई दोस्तों आपके सामने 161 नंबर कि ट्राई नाइट्रो टालुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी ट्राई जो नाइट्रो टालुइन का जो विस्फोटक है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है ट्राई नाइट्रो टालुइन। ट्राई नाइट्रो टालुइन एक क्या है, विस्फोटक पदार्थ होता है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है। तो इस विस्फोटक पदार्थ के अंदर क्या पाया जाता है, इस विस्फोटक पदार्थ के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट बारूद, बारूद जो होती है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक के रूप में काम आता है, बारूद वगैरह में होता है ना, जिसको हम ट्राई नाइट्रो टालुइन भी बोल सकते हैं, ट्राई नाइट्रो टालुइन भी बोल सकते हैं। तो ये विस्फोटक के रूप में काम आता है आपका अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है सौर ऊर्जा का कारण, यानी सूर्य के ऊपर कौन सी ऐसी अभिक्रिया पाई जाती है जिसके कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पहले साथियों ध्यान रखना सूर्य के ऊपर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जिसके कारण हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सी अभिक्रिया से, संलयन अभिक्रिया से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी सूर्य के ऊपर कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, यानी कहने का मतलब हीलियम और हीलियम आपस में जुड़ करके हाइड्रोजन का निर्माण कर देते हैं और सूर्य के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है आपकी, हाइड्रोजन ही पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हीलियम के तत्व आपस में मिलकर के क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन का निर्माण कर देते हैं। तो इसको कहा जाता है संलयन अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से किस, निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और जो जैव प्रौद्योगिकी के जो आपके उद्योग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है प्यारे साथियों सनराइज उद्योग। क्या कहा जाता है, सनराइज उद्योग कहा जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपके, आपका डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सनराइज उद्योग, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और जैव प्रौद्योगिकी के जितने भी आपके उद्योग होते हैं उनको सनराइज उद्योग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण उपकरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है, निर्गम उपकरण। अच्छा निर्गम उपकरण होता क्या है आपको पता तो होना चाहिए पहले, निर्गम उपकरण का मतलब क्या होता है समझ लो पहले, निर्गम उपकरण क्या है। सॉरी ये मान लो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, और इस कंप्यूटर से हमने कोई उपकरण जोड़ दिया, इस कंप्यूटर से हमने क्या कर दिया, कोई उपकरण मेरे प्यारे साथियों जोड़ दिया, कोई उपकरण हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कंप्यूटर को हमने कोई सूचना दी, इस कंप्यूटर को हमने कोई डेटा दिया या कोई सूचना दी, और वो सूचना इस उपकरण के माध्यम से कहाँ आ गई, बाहर आ गई। इस उपकरण के माध्यम से क्या आ गई, बाहर आ गई वो सूचना, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्गम उपकरण बोलते हैं। तो जैसे बात करते हैं इंकजेट मुद्रक की, इंकजेट मुद्रक क्या करता है, फोटोकॉपी करने का काम करता है। अब कंप्यूटर को आप क्या करते हो, कमांड देते हो, और कंप्यूटर क्या करता है, प्रिंटर को संकेत भेजता है, और प्रिंटर उस अंक उन मतलब कोई भी आपकी फोटोकॉपी होती है उसकी फोटोकॉपी आपको निकाल कर दे देता है। इसका मतलब ये क्या है, एक आपका निर्गम उपकरण है,
ठीक है, आपको तो नहीं है वो पूछा है, तो ये भी है। दूसरा देखो स्पीकर, स्पीकर यानी हम यहाँ से क्या करते हैं, गाने बजाने की हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं, और ये गाना बजाने की को कहता है, और स्पीकर के द्वारा उसकी आवाज़ हमें बाहर सुनाई देती है, तो ये भी आपका क्या है, निर्गम उपकरण है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, प्रकाशिक लक्षण का मतलब क्या होता है, जो प्रकाश को क्या कर सके, पहचान सके। अभिज्ञाता का मतलब पहचानने वाला, जो प्रकाश को पहचान सके वो निर्गम है। नहीं मेरे प्यारे साथी, उसको हम निर्गम नहीं बोल सकते, प्रकाश को तो कुछ भी पहचान सकता है, वो बोल के थोड़ी बताता है ये प्रकाश है वो ये है। तो प्रकाशिक लक्षणों को जानने वाला कभी क्या नहीं हो सकता, निर्गम उपकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 165 नंबर क्वेश्चन, ये रहा कि सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब, वायु वेग, ये एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, तो प्यारे साथियों ये जलवायवीय कारक बनाते हैं, यानी जिसमें जल भी है वायु भी है, जल और वायु आपस में मिल गए तो उसको क्या बोल देते हैं, जलवायवीय कारक बोल देते हैं। क्या बना बोल देते हैं, जलवायवीय कारक। इसमें वर्षा का जल भी है और इसमें क्या है, वायु भी है, तो वर्षा और जल बना के मिलकर क्या बना देते हैं, जलवायवीय यौगिक बना देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन चलिए 166 नंबर क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की, सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो प्यारे साथियों सौर प्रणाली की जो खोज आपकी की गई वो की गई आपके केपलर के द्वारा। किसके द्वारा, केपलर के द्वारा। केपलर ने सौर प्रणाली की खोज की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, केपलर ने सौर प्रणाली की खोज की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था, यानी कहाँ पर किया गया था, जो भी आपके परमाणु जो हथियार थे उनका जो परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया था, तो पोखरण के अंदर किया गया था, जैसलमेर पोखरण के अंदर। ये तो आप सभी को पता होगा, पोखरण जैसलमेर में इसका मतलब परीक्षण किया गया था आपका। अगला क्वेश्चन है कि 2G स्पेक्ट्रम में जी अक्षर का क्या मतलब है, इस जी अक्षर का क्या मतलब है। तो जी का मतलब है प्यारे साथियों, जी का मतलब है जनरेशन, 2G का मतलब सेकंड जनरेशन, 3G का मतलब, 3G का मतलब थर्ड जनरेशन, 4G का मतलब फोर्थ जनरेशन, और 5G का मतलब फिफ्थ जनरेशन। अभी आपने देखे होंगे फिफ्थ जनरेशन के आपके मोबाइल आ गए हैं बाजार में, आप जो यूज़ कर रहे हो वो शायद आपका 4G का है, तो वो फोर्थ जनरेशन का है। ठीक है, पहले जनरेशन के जो आपके हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन के, वो आपके कीपैड वाले हुआ करते थे, कीपैड वाले। उसके बाद 2G आपके आए, है ना, नॉर्मल एंड्रॉयड। उसके बाद थोड़े से और हाई लेवल के आए, फिर और हाई लेवल के आए, और अब और हाई लेवल के आ गए। तो जी का मतलब आपका क्या है, जनरेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। ऑटो हॉर्न ने किसकी खोज की थी जिसके लिए इनको जाना जाता है। ऑटो हॉर्न ने पहले साथियों एटम बम की खोज की थी, परमाणु बम की खोज की थी ऑटो हॉर्न ने। ऑटो हॉर्न परमाणु बम, एटम बम, ऑटो हॉर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 169 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 169 नंबर क्वेश्चन। चलिए 169 नहीं है शायद, 169 कर लिया, 170 170 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। एक तो पृथ्वी से, पृथ्वी पर आपने सुना होगा पृथ्वी है आपका, है ना, पृथ्वी नाम का जो प्रक्षेपास्त्र है, मिसाइल है। और एक भूमि से वायु में जाने वाला, नीचे धरती से वायु में जाने वाला कौन सा प्रक्षेपास्त्र है, उनका नाम, उसका नाम आपको बताना है, उसका नाम आपको अच्छे से बताना है मेरे प्यारे साथियों। उसका नाम है त्रिशूल। क्या नाम है, त्रिशूल। त्रिशूल जो है वो आपका पृथ्वी से कहाँ जाता है, वायु में जाता है। ठीक है ना, और एक प्रक्षेपास्त्र है यानी ये मिसाइल वगैरह को लेके जाने का काम करता है। ठीक है ना, मिसाइल वगैरह को लेके जाने का काम करता है त्रिशूल, जो भूमि से वायु में क्या करता है, मार करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मरम केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है। पहले तो आपको पता होना चाहिए MCF की फुल फॉर्म क्या है, MCF की फुल फॉर्म क्या है। M यानी मास्टर, C यानी कंट्रोल, यानी कंट्रोल,
और दोस्तों एफ यानी फैसिलिटीज, फैसिलिटी। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहने का मतलब प्यारे साथियों, इसरो जो है ना, इसरो, इसरो का जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु में है। कहां पर है? बेंगलुरु में। तो इसरो क्या करता है, कोई भी मतलब अंतरिक्ष यान मतलब बनाता है इसरो, तो उसकी देखरेख या उसको कहां से मतलब उसका संचालन किया जाता है, कहां से उसका मतलब चालन किया जाता है, कहां से उसको मतलब चलाया जाता है, तो वो केंद्र आपको बताना है। यानी अंतरिक्ष यान को छोड़ तो दिया इसरो ने, वो तो एक संगठन हो गया इसरो, तो उसका बेंगलुरु हो गया आपका मतलब मुख्यालय, लेकिन इसरो का एक मतलब स्वामित्व प्राप्त एक और केंद्र है जिसको बोलते हैं MCF। ये जो MCF है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका कर्नाटक हासन केंद्र है। कहाँ पर है? कर्नाटक हासन में है, ऑप्शन नंबर डी। यानी ये क्या करता है आपका MCF, ये इसरो के द्वारा छोड़े गए किसी भी अंतरिक्ष यान का चालन करता है, उसको चलाने का काम करता है, ठीक है, जिसका मुख्यालय आपका हासन कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, पायसी कारक एक एजेंट है, पायसीकरण जो अभिक्रिया होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पायस होता क्या है। पायस दोस्तों एक दूध होता है ना, दूध, दूध को हम क्या बोल सकते हैं? पायस बोल सकते हैं। और जैसे मान लो पानी और हमारा जो सर्फ होता है, सर्फ आपने सुना होगा, कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसका जो मतलब विलयन है वो भी एक प्रकार का क्या है? पायस है। तो ये जो पायसी कारक होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसके एजेंट होते हैं? पायसी कारक क्या करते हैं प्यारे साथियों? पायसी कारक पायस को स्थायी बनाने का काम करते हैं। पायसी कारक पायस को क्या करते हैं? स्थायी बनाने का काम करते हैं। जो आपकी पायसीकरण अभिक्रिया होती है, पायसीकरण की जो अभिक्रिया होती है, उस पायसीकरण की अभिक्रिया में ये जो पायसी कारक होता है वो क्या करता है? पायस को स्थायी बनाने का काम करता है। क्योंकि पायसीकरण अभिक्रिया में जो पायस प्राप्त होता है वो अपने आप में क्या होता है? अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। और इसको स्थायी कौन करेगा? तो पायसी कारक करेगा। कौन करेगा? पायसी कारक करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्यों? बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, क्यों तैरती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है ना वो पानी की अपेक्षा क्या है? कम है। बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा क्या है? कम है। बर्फ का घनत्व कम है, पानी का घनत्व ज्यादा है, तो कम घनत्व वाली वस्तु हमेशा ऊपर आती है, इसलिए बर्फ क्या है? ऊपर तैरती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस लेने में परेशानी नहीं होती, क्यों नहीं होती, उसका कारण क्या है? भाई कोई पक्षी है वो ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसको सांस लेने में मतलब तकलीफ नहीं होती, लेकिन हम अगर ऊंचाई पर चले जाएं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसा क्यों? दोस्तों ये जो पक्षी होते हैं उनके अतिरिक्त वायु कोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अतिरिक्त वायु कोष पाए जाते हैं। जैसे हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े वही हमारे पृथ्वी पर काम करते हैं और वही हमारे क्या करते हैं? ऊंचाई पर काम करते हैं। लेकिन जो पक्षी होते हैं उनमें अतिरिक्त वायु कोष पाए जाते हैं। जो अतिरिक्त वाले होते हैं वो ऊंचाई पर जाने पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं, है ना। अतिरिक्त जो वायु कोष है वो आपकी ऊंचाई पर जाने पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसलिए पक्षियों को ऊपर उड़ते समय सांस लेने में कठिनाई नहीं होती है, ठीक है। चलिए 175 नंबर क्वेश्चन, कि तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें क्या हो जाए? सड़क के ऊपर पानी ठहर जाए। आपने देखा होगा कहीं कहीं से नीची रह जाती है सड़क, इस प्रकार से नीची रह जाती है तो वहां पर पानी ठहरता है और वहां से वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। तो पानी ठहरने से तारकोल अपनी मजबूत पकड़ है वो छोड़ देता है, और तारकोल ने अगर अपनी मजबूत पकड़ छोड़ दी तो वो सड़क के जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे नापने में किया जाता है? पिक्नोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो पिक्नोमीटर के द्वारा घनत्व को मापा जाता है। पिक्नोमीटर के द्वारा घनत्व को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, पिक्नोमीटर घनत्व। चलिए अगला क्वेश्चन, सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ हम किसको बोलते हैं? दोस्तों जो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सूखी बर्फ बोलते हैं। शुष्क बर्फ, इसको हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। सूखी बर्फ या फिर शुष्क बर्फ के नाम से किसको जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस CO2 को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की मिसाइल अग्नि 2 किस प्रकार की मिसाइल है? अग्नि जो 2 है वो किस प्रकार की मिसाइल है साथियों? तो ध्यान रखना, पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली मिसाइल है।
पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली मिसाइल आपकी अग्नि टू, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको सी ध्यान रखना है। चलिए 179 नंबर क्वेश्चन, घरेलू परिस्थितित्व में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है, यानी हमारे घरों में जो फ्रिज वगैरह काम आते हैं उसमें ज्यादातर क्या काम आता है, तो उसमें ज्यादातर फ्रियोन काम आता है। कौन काम आता है? फ्रियोन। और फ्रियोन के रूप में किसका उपयोग होता है? सीएफसी का उपयोग होता है। फ्रियोन के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है, सीएफसी का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, ध्यान रखना लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट का आदि प्रारूप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया, ये किस कारखाने के अंदर किया। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, लाइट कॉम्पैक्ट जो कॉम्बैक्ट जो आपका कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो बना था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो बना आपका बना था, वो आपका बना था प्यारे साथियों बेंगलुरु के अंदर। कहां पर बना था? बेंगलुरु में बना था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया था, HAL ने बनाया था, ठीक है, बेंगलुरु कारखाने में। नाम क्या था? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। जनवरी 2001 में इसको प्रक्षेपित किया गया था, किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों क्वेश्चन मैंने जल्दी करवाने की कोशिश की है, फिर भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है तो मैं क्षमा चाहूँगा। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से, दो तीन दिनों से बीमार हो रखा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपके लिए एक घंटे का, डेढ़ घंटे का टाइम आपके लिए निकालता ही हूँ पढ़ाने के लिए। और फिर भी वैसे तो मैं आपके लिए लगा रहता हूँ पूरे दिन, क्योंकि नोट्स वगैरह तैयार करने पड़ते हैं, इनको लिखना पड़ता है क्वेश्चनों को, उसके बाद आपके करंट जीके के क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, तो पूरे दिन आपके लिए लगा रहता हूँ। अब प्यार आप कम दे पाते हो, थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि आप अपने भाई को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं भी आपके सामने बहुत अच्छा कर पाऊँ और बहुत अच्छे से आपको मैं अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है। उम्मीद कर सकता हूँ समझ में आपको आया होगा। 180 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिए, आज इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत जल्द हमारे 500 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो टाइम बचेगा उस टाइम में भी मैं आपका बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। भी 5-7-10 दिन जितने भी और बचेंगे ना, उसमें भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसका PDF भी आपको मिलेगा 500 क्वेश्चनों का, बिल्कुल दिक्कत नहीं है आपको, रिवीजन करने का टाइम भरपूर मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है, 500 क्वेश्चनों का रिवीजन आप कर लेना, लेकिन पहले से अच्छे से इनको देख लो, समझ लो, ठीक है। चलिए तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।